कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से लोकसभा सांसद सोनिया गांधी अब राज्यसभा जाने को तैयार हैं। वह राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। ऐसे में यह तो साफ है, वह अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया गांधी का रायबरेली से 20 साल पुराना नाता टूटने जा रहा है, जिससे वह भावुक हो गईं। हालांकि अगर बात कांग्रेस की करें तो रायबरेली से पार्टी का नाता करीब 8 दशक पुराना है। सोनिया गांधी पहली बार साल 2004 में रायबरेली से जीतकर लोकसभा पहुंची थीं, लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने रायबरेली से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। सोनिया गांधी के लिए यह फैसला कितना मुश्किल रहा, इस बात का जिक्र रायबरेली की जनता के नाम उनकी भावुक चिट्ठी में किया गया है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहा कि रायबरेली के बिना उनका परिवार अधूरा है। सोनिया गांधी ने लिखा, रायबरेली अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला। पति राजीव गांधी और सास इंदिरा गांधी को खोने के बाद जब वह रायबरेली आई तो यहाँ के लोगों ने उनके लिए अपना आंचल फैला दिया। सोनिया गांधी ने जो लेटर लिखा है उसको हम पूरा पढ़कर आपको बताते हैं। रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारी जन नमस्कार। मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। यह नेह नाता बहुत पुराना है और अपने ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को यहां से जिता कर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक यह सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले दो चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मैं यह कभी भूल नहीं सकती। यह कहते हुए मुझे गर्व है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हर दम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा, आपकी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के इस लेटर को लेकर आपके अपने क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।